अकेलेपन जैसी बेजरर फीलिंग का टोटलिटेरियनिज्म के सिस्टम को प्रमोट करने में कोई किरदार हो सकता है? और क्या कैपिटलिज्म डेमोक्रेसीज को प्रमोट करने के बजाय डिक्टेटरशिप्स को प्रमोट करता है? इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स आज हम एक बुक समरी से हासिल करने की कोशिश करेंगे। द बुक दैट विल बी डिस्कसिंग टुडे इज द लोनली सेंचुरी कमिंग टुगेदर इन अ वर्ल्ड दैट्स पुलिंग अपार्ट बाय नोरिना हर्ट्ज। माई नेम इज डॉक्टर नूरुल हुदा एंड वेलकम टू CEPI's बुक एनालिसिस सीरीज। तो सबसे पहले हम इस बुक के जरिए लोनलीनेस का और टोटलिटेरियनिज्म का एक कोरिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। नोरिना हर्ट्ज अपनी बुक में लोनलीनेस को सिर्फ एक तन्हाई या अकेलेपन की सेंस में नहीं लेती, बल्कि वो एक फ्रेगमेंटेड कम्युनिटी की सेंस में इस लफ्ज़ को लेती हैं। लोनलीनेस से नोरिना हर्ट्ज का मतलब ये भी है कि वो तमाम लोग नहीं जिनके पास फ्रेंड्स या फैमिली की सपोर्ट नहीं है, बल्कि वो लोग जो गवर्नमेंटल सपोर्ट से भी डिप्राइव्ड हैं और गवर्नमेंट के सोशल सिक्योरिटी नेट्स उन लोगों को एनकंपस नहीं करते। हर्ट्ज के मुताबिक ऐसे तमाम लोग टोटलिटेरियन या पॉपुलिस्ट लीडर्स की जद में आने के ज़्यादा चांसेस में होते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हर्ट्ज इस बात का एक हिस्टोरिकल एनालिसिस करती हैं जिसमें हाना आरेंट की एक एनालिसिस को लिया जाता है कि वर्ल्ड वॉर टू के पेश नज़र हिटलर और मुसोलिनी जैसे लीडर्स का राइज क्यों हुआ। उसकी वजह एक ही सामने आती है कि तमाम वो लोग जो हैवी टैक्सेशन, इकोनॉमिक डेप्रिवेशन और नेशनल डिग्रेडेशन की वजह से बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड और डिसिल्यूजन फील कर रहे थे, वहाँ जब हिटलर जैसे पॉपुलिस्ट लीडर्स राइज हुए तो नाज़ीज़म जैसी एक वबा ने जन्म लिया। हम इस मसले का एक कंटेम्प्रेरी एनालिसिस करते हैं तो हर्ट्ज के मुताबिक COVID-19 के पेंडेमिक से पहले भी दुनिया के 2/3 यानी कि 2/3 लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड महसूस करते थे और आज की इस पेंडेमिक ने इस सिचुएशन को मज़ीद वर्सन कर दिया है। हर्ट्ज के मुताबिक आजकल के दौर में सोसाइटी की पोलराइजेशन, फ्रेगमेंटेशन ऑफ कम्युनिटी और लोनलीनेस जैसी फीलिंग्स अपनी इंतहा को पहुँच चुकी हैं। आप किसी भी सोसाइटी को ले लें, वहाँ पर सोसाइटल फ्रेगमेंटेशन की फॉल्ट लाइन्स आपको तमाम एरियाज में नज़र आती हैं, चाहे वो जेंडर के एरियाज में हो, रेस, क्लास, सोशल, एजुकेशनल, बी इट एनी सॉर्ट ऑफ फॉल्ट लाइंस, आपको वो किसी भी सोसाइटी में आज के दौर में बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड नज़र आती हैं। अब जब ये स्ट्रक्चरल और इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है तो रिसर्चेस ये भी नोट करती हैं कि किसी भी सोसाइटी में जितनी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन या तफरके का एलिमेंट पाया जाता है उस सोसाइटी में फार राइट यानी एक्सट्रीम या शिद्दत पसंदाना व्यूज़ रखने वाली पार्टीज़ को वोट उतने ही ज़्यादा मिलते हैं। रिसर्च ने यह नोट किया कि पेंडेमिक के बाद सोशल आइसोलेशन और फ्रांस की फार राइट फ्रंट नेशनल पार्टीज़ को मिलने वाले वोट्स में एक डायरेक्ट कनेक्शन देखा गया था। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप के और अमेरिका के अंदर ग्रो करने वाली इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन और सोशल आइसोलेशन की फीलिंग्स के दरमियान एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप ऑब्जर्व किया गया। लेकिन अवाम के बीच लोनलीनेस, तफरका और आमरियत पसंदाना लीडरान का ये गठजोड़ इतना भी सिंपल नहीं है। हर्ट्ज के मुताबिक कैपिटलिज्म या सरमायादाराना निज़ाम का भी इस तमाम तबाही के अंदर एक बहुत कुलीदी किरदार है। उनके मुताबिक कैपिटलिज्म या सरमायादाराना निज़ाम किसी भी सोसाइटी में आपसी मुकाबले या कॉम्पिटिशन की बहुत मनफी जज्बात को पैदा करता है और जब ये जज्बात हाइपर कम्पेटिटिवनेस की तरफ जाते हैं तो किसी भी माशरे पर उसके बहुत ही ख़तरनाक नतीजे मालूम होते हैं। हर्ट्ज के मुताबिक कैपिटलिज्म हैज़ मेड अस सी आवरसेल्व्स एज कम्पेटिटर्स नॉट कोलैबोरेटर्स, कंज्यूमर्स नॉट सिटीजंस, होर्डर्स नॉट शेयरर्स, टेकर्स नॉट गिवर्स, हसलर्स नॉट हेल्पर्स। और आखिर में हर्ट्ज एक और चीज़ को नोट करती हैं कि जब से हमारे दरमियान स्मार्टफोन्स या सोशल मीडिया ने जन्म लिया है तब से सोसाइटी की ये फ्रेगमेंटेशन मज़ीद बढ़ गई है। उनके मुताबिक स्मार्टफोन्स एंड सोशल मीडिया हैव मेड अस मोर ट्राइबल एंड मोर एग्रेसिव एज पीपल, बजाय इसके कि वो कम्युनिटीज़ को इंटीग्रेट करते। हर्ट्ज की ये किताब सोशल मीडिया, कैपिटलिज्म या गवर्नमेंट्स के ऊपर महज एक तनकीदी मुसविदा नहीं है, बल्कि इट इज़ एन ओपन कॉल and an open cry for help to the governments के pandemic के बाद COVID-19 के बाद तमाम governments के पास एक सुनहरी मौका है
कि वो इस तरह के सोशल सिक्योरिटी नेट्स को प्रोड्यूस करें, इस तरह की सोसाइटल और कम्युनिटीज़ की इंटीग्रेशन को प्रोड्यूस करें जिससे आम आवाम के बीच में एलियनेशन की या लोनलीनेस की ये फीलिंग्स ख़त्म हों। जब डिस्क्रिमिनेशन की और फ्रेगमेंटेशन की ये फीलिंग्स कम्युनिटीज से ख़त्म होना शुरू होंगी, तभी हम ये मेक श्योर कर सकेंगे कि दोबारा इस दुनिया में हिटलर और मुसोलिनी जैसे लीडर्स का अरूज ना देखा जाए। दैट वॉज ऑल फॉर टूडेज बुक रिव्यू। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद सम मोर इन्फॉर्मेटिव बुक्स। दिस इज डॉक्टर नूरुल हुदा साइनिंग ऑफ।